और कहानी है एक स्त्री की, बड़ी गजब कहानी है। और स्त्री भगवान विष्णु की परम भक्त है और भगवान की परम भक्त होने के कारण भगवान की पूजा अर्चना में रत रहती है, मंदिर में रहती है। उस स्त्री का नाम है वैराग्यवती। वैराग्यवती कथा बड़ी गजब है और सच्ची घटना है। तो वैराग्यवती भगवान विष्णु की परम भक्त हैं और भगवान विष्णु के ही दर्शनों के लिए मंदिर में कभी वस्त्र बदलती हैं, कभी प्रसाद चढ़ाती हैं, कभी भजन करती हैं, लगी रहती हैं बस। एक चोर ने देखा कि ये जो लेडी हैं ये बहुत मासूम हैं, बड़ी भोली हैं, तो इसको ठगा जा सकता है। तो वो चोर बाबा जी बन गया। बाबा जी बनना आसान है, बाबा जी होना मुश्किल है। बाबा जी बनना आसान है, होना तो वो बाबा जी बन गया। अब बाबा जी बना तो अंदर आया, वैराग्यवती भगवान के चरणों में बैठ के भजन कर रही हैं। तो उन्होंने बोला, देवी जल चाहिए। तो बोली, बाबा जी अभी पिला देती हूं। जल लेकर आई अंदर से कि बाबा जी को आज जल पिलाएंगे, कुछ क्या कहते हैं आशीर्वाद मिलेगा। तो जल लेते लेते बाबा जी ने बोला, तुम्हारे हाथ से जल पीने से पहले एक सवाल है, तुमने दीक्षा वीक्षा लिया है कुछ? हम बिना दीक्षा लिए व्यक्ति के हाथ से जल ग्रहण नहीं करते। उन्होंने बोला, बाबा जी दीक्षा तो नहीं ली, आप ही दे दो। तो उसने बोला, बिल्कुल दे देंगे। तो उन्होंने बोला, दीजिए। बोला, यहां नहीं देते, एकांत में जंगल में जाए, वहां दीक्षा दी जाती है। हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी दीक्षा नहीं है कि कहीं पर भी दे दी जाए। तो वैराग्यवती ने कहा कि अगर जंगल में जाके दीक्षा मिलेगी तो मुझे जंगल जाने में कोई परहेज नहीं है, मैं तैयार हूं। तो उसने बोला, ठीक है, अपने गहने कपड़े जो तुम्हारे पास महंगे से महंगा है सामान सब ले लो। बोली भाली वैराग्यवती, पीछे होली, ठीक है जी सब लेके चलते हैं। तो जंगल गया। तो जंगल में बाबा जी ने वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और सारा सोना जेवर कपड़ा लेके जाने लगा। और उसने बोला, देख दीक्षा यही है, एक हफ्ते के बाद आके खोलूंगा, तब तक खुलना नहीं है तूने, ये मेरा बांधा हुआ बंधन है, ऐसे मत खोलियो। उसने बोला, जो आज्ञा बाबा जी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी, आप हमारे गुरुदेव हैं। तो वो चला गया। अब वो गया तो मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं है। अब उसके बाप ने सोचा, एक बड़े बाप की बेटी थी, कि पुत्री घर नहीं आई, शाम हो गई, रात होने को आई, कहां चली गई। अब जब रात भर देखता रहा तो गया घोड़े पे, ढूंढा तो देखा जंगल में पेड़ से वो बंधी हुई है। तो उसने बोला, बेटी तुझे कौन बांध गया है, चल मैं तुझे खोल दूं। तो उसने बोला, मेरे गुरुदेव ने बांधा है। उसने बोला, गुरुदेव बांधते थोड़ी हैं, वो तो खोलते हैं। बोला, नहीं मेरे गुरुदेव ने बांधा है। उसने बोला, बाप ने, अरे कोई ठग बांध गया तुझे, तेरा सारा जमान सेवर लूट गया, तेरे पैसे लूट के चला गया, आ मैं तुझे खोल दूं। उसने बोला, पिताजी आपका मैं बड़ा सम्मान करती हूं, आप मेरे पिता हैं, लेकिन बंधवाया है गुरुदेव से तो खोलेंगे तो भाई, मैं अपने आप को नहीं। अब बाप ने बड़ा समझाया, बेचारा थक हार के रात घर चला गया। दो दिन हो गए मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, कोई दिया जलाने वाला नहीं है। भगवान विष्णु को लगा, भक्त कहां गए, रोज तो पूजा होती थी, भोग चढ़ता था, ना पूजा ना भोग। तो भगवान ने नारद जी को बुलाया, बोला पता करो कहां गई। तो नारद जी ने बोला, महाराज पेड़ से बंधी है, वो ठग बांध गया है, बाबा जी बन के गया था। तो बोला, जाके खोल। तो नारद जी आए, नारायण नारायण, आ मैं तुझे खोल दूं। उसने बोला, मुझे जानती हो? तो बोला, आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको पहचानती हूं, आपको प्रणाम है, आपका सम्मान है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध गए हैं। उसने बोला, पागल है, गुरुदेव नहीं बांध गए, वो ठग था, ले गया सब। उसने बोला, जो था मेरे गुरुदेव बांध गए हैं, खुलवाऊंगी तू नहीं से, आपको प्रणाम है, बहुत अच्छा लगा आप आए। और देखो कितना अच्छा हुआ कि तीन ही दिन में नारद जी के दर्शन हो गए, ऐसा बड़ा गुरुदेव और कहां से मिलेगा कि तीन ही दिन में नारद जी के खुद दर्शन हो गए, तो मैं नहीं खुलवाती। तो गुरुदेव की बड़ी महिमा है। तो नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु चलो, वो नहीं खुलवाती, बाप खुद आओ। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, चतुर्भुज रूप लेकर वैराग्यवती के पास आए। वैराग्यवती ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को माथा टेका। उसने बोला, मैं खुद भगवान हूं, आ मैं तुझे खोल देता हूं। उसने बोला, आप भगवान जरूर हैं, आपको प्रणाम है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं आपसे।
बोला क्यों? बोला मैंने गुरुदेव बांध गया, उन्हीं से खुलवाऊंगा। उसने बोला कहां गुरुदेव, वो ठगे। उसने बोला जो कुछ भी है आपके दर्शन करा दिए। अब भगवान को बड़ा अजीब लगा कि भक्त बंदे हैं। भगवान ने नारद को बोला ढूंढ के लाओ इसके गुरु को। नारद जी ने बोला कहां ढूंढे? बोला देखो कहीं चोरी चारी ही कर रहा होगा। तो नारद जी पहुंचे तो सच में कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा था। नारद जी ने बोला प्रणाम महाराज, चलो। उसने बोला अरे प्रभु आप? बोले कहां जाना है? अरे बोले जो शिष्या बांध आए हो महाराज, चल के खोल दो, भगवान बुला रहे हैं। अब वो डरते डरते आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने बोला गुरुदेव आपको प्रणाम है, आप इनको कृपया खोलने का कष्ट करें, आप ही से खुलवाएंगी, हमसे तो नहीं खुलवाती। तो नारद जी और भगवान खड़े खड़े देखते रहे, तो उसने उसको बंधन से मुक्त कर दिया। अब बंधन से मुक्त होने के बाद वैराग्यवती जो बोलती है वो कमाल की बात है। वैराग्यवती बोलती है कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। दोनों ही तो खड़े हैं, अब किसके पैर पड़ूं भाई। तो गुरु की बहुत जरूरत है यार, आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिसकी भी नेटवर्क